हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉग्स करण ठाकुर में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और ये मेरे घर का मॉर्निंग का व्यू है गाइस, कुछ इस तरह का है। तो बने रहे गाइस वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैनल में जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की मेरी ऑल अपडेट आप तक पहुंचती रहे गाइस। आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग साफ है गाइस, और सूर्यदेव अभी उदित नहीं हुए हैं। अभी कुछ ही मिनटों में 7 बजे के करीब सूर्यदेव उदित होते हैं गाइस यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहें गाइस। गाइस, यहां पर आप सामने श्रीखंड कैलाश पर्वत देख रहे हैं गाइस, जहां पर महादेव जी साक्षात वास करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, धूप यहां पर लगती है कैलाश पर्वत पर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये सारी चोटियों पे सबसे पहले धूप आती है हमारे यहां पे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे में धूप निकलती है दोस्तों। और यहाँ पर इस साइड को गाइस अभी धूप नहीं निकली है, क्योंकि यहाँ पर निर्मिण की चोटी है ऊपर, जो हमारी तहसील है। और ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत, अभी धूप नहीं निकली है, सिर्फ और सिर्फ श्रीखंड महादेव पर धूप निकली है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं गाइस। और सूर्यदेव कुछ इस तरह के दिख रहे हैं गाइस इस टाइम चोटी पर, जय हो सूर्यदेव की। और इसी तरह दोस्तों, हमारे जीवन में, आपके जीवन में जीवन ज्योति और प्रकाश हमेशा बना रहे, सूर्यदेव की मनोकामना हम सभी पर बनी रहे, कृपा सूर्यदेव की। तो मॉर्निंग का व्यू बहुत ही प्यारा दोस्तों, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों सुबह सुबह। यहाँ पर है दोस्तों मेरे साथ मेरे चाचू श्री टिक्कम राम जी, जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी गाइस। तो हम जा रहे हैं गाइस आज तलाश, और सामने दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कटार और कुठेड़ गांव है दोस्तों, बड़े बड़े, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस। साथ में दोस्तों हमारे साथ है बालकृष्ण चाचू जी और हमारे आंटी जी, जो कि हमारे साथ है। तो हम जा रहे हैं गाइस, पड़योगी बोलते हैं गाइस गाँव का नाम, पड़ियोगी है, अजीब सा नाम है गाइस। तो वहाँ का ये लोकल साइट सीन है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां हमको जाना था। तो यहां पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है। तो गाइस, यहां का व्यू कुछ इस तरह का है गाइस। ये हम चल पड़े हैं गांव की ओर, जहां पर है गाइस फंक्शन, जहां पर बोलते हैं पड़ियोगी। तो छोटा सा गांव है और खूबसूरत है गाइस, बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहां का।
मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं गाइस। ये है वो घर जहाँ पर है गाइस फंक्शन, बहुत ही प्यारा है, अच्छा घर बनाया गाइस। और सभी के यहाँ पे अच्छे अच्छे घर है, और घर के आंगन में नारंगी का पेड़ बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस। तो घर के आंगन में गाइस इस तरह का संतरे का पेड़, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सुंदर लग रहा होगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। अगर आंगन में इस तरह से फलों से लदा हुआ हरा भरा पेड़ हो तो बात ही कुछ अलग है गाइस। अभी गाइस यहाँ पर नाग देवता जी का आगमन होने वाला है कुछ ही मिनटों में, तो वाद्य यंत्रों के साथ, अपने गाजे बाजों के साथ नाग देवता जी आने वाले हैं गाइस। तो दर्शन करें और वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें गाइस। हिमाचल के इस तरह के कल्चर और ट्रेडिशनल, यहाँ की वादियाँ और यहाँ की वेशभूषा को देखने के लिए
चक रहे हैं महाराज जी, चक रहे ठाकुर जी क्या बल गए बोल भैया पर इतनी हम जब कहते ना सारे नंगे पांव ये थी गाइस मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट करें, और गाइस साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें जो चैनल में नए हैं। तो अब गाइस मिलते हैं अगली एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, नमस्कार। Yeah.